दोस्त और एक प्रेमी में क्या फर्क होता है? प्रेमी कहता है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और दोस्त कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। भाई दोस्त तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। दोस्त, सखा, मित्र, फ्रेंड, आप जो चाहे कह ले, ये आपके जीवन के ऐसे हीरे हैं जिनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। मस्ती खोर, चुगल खोर, चाहे जो कुछ कह लें, इनके बिना तो जीवन अधूरा है। और अच्छा, एक और बात, ये दोस्त आपकी चिंता को कुछ कम नहीं करते। हाँ, ये बात याद रखिएगा, ये आपकी चिंता भिंता को बिल्कुल कुछ कम नहीं करते। ये तो बस उस चिंता का कुछ यूं ऐसा मजाक उड़ा देंगे कि आपको लगेगा, हाँ मैं भी ना किस बात को लेकर चिंता कर रहा था। आज की कहानी मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं चाहती हूं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, 5 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए और इस कहानी को सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपके लिए भी खास हो। कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त हम सब के लिए बहुत खास होते हैं और होने भी चाहिए। लंगोटिया यार जो हैं, आपके अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं। चित्रा, सुनंदा और निशा स्कूल के दिनों से पक्की सहेलियां थी। एक भी दिन अगर कोई स्कूल या कॉलेज नहीं आता ना, तो वे उसके घर पहुंच जाती और पूछने लगती, आज कॉलेज क्यों नहीं आए? ये सिलसिला तो जब तक कॉलेज था चल रहा था। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, तीनों अपने अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गई। शादी कर ली, घर बसा लिया, और बस एक दूसरे से मिलना तो दिनों दिन कम होता गया। हाँ, चित्रा और सुनंदा आज भी मिलती थी, क्योंकि वे एक शहर में जो थी, पर निशा दूसरे शहर में रहती थी। इसी कारणवश ये तीनों आपस में मिल ही नहीं पाती थी। निशा को मिले पूरा 1 साल हो गया था। आज इन तीनों ने फोन पर सोच ही लिया कि आज तो जूम पर मिलेंगे तीनों के तीनों। अरे चित्रा, कैसी है? कितने दिन हो गए यार, तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे हम सालों के बाद मिल रहे हैं। कल ही तो मिले थे। अरे सब ठीक है, पर ये बाल है ना, इसे लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। अरे बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर ये बाल गिरना तो बंद ही नहीं होते। कॉलेज के दिन याद है, मेरे बाल कितने घने हुआ करते थे। सब कहते थे कि अरे वाह, ऐसा लगता है इसने विग लगाया है। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे विग लेकर लगाना पड़ेगा। अरे सच कहा, मेरा भी यही हाल है। बाल ऐसे गिरते हैं ना कि पूछ नहीं, जैसे पतझड़ में पत्ते गिर रहे हों। मेरे घर काम में जो मदद करती है ना, शीला दीदी, हमेशा कहती है पूरे घर में बस आपके बाल ही बाल हैं। सचमुच मैं अभी बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या करें यार। हाँ, इनकी वजह से ना मुझे कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता, मुझे किसी से मिलने का मन नहीं करता है। बिल्कुल सच कहा, यही हाल है मेरा। निशा का क्या हुआ, अब तक आई क्यों नहीं? हमेशा की तरह ना देर ही करती है। अरे तो चिंता मत कर, ये कॉलेज के दिनों से ही ऐसी है। याद है ना, हर लेक्चर के लिए लेट आती थी। वैसे निशा के बाल बड़े सुंदर थे ना, काले घने, बड़े फैंस थे मैडम के। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी देर हो गई। कैसे हो दोनों? और आज याद आई है निशा की। अरे निशा, कैमरा ऑन कर पहले। निशा, तेरे बाल। अरे ये मेरी नई हेयर स्टाइल है, कैसी लगी? अरे पिछले साल मुझे एक ऐसा तोहफा मिला जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे पता चला कि मुझे स्तन का कैंसर है, और बस मैंने ये नई हेयर स्टाइल कर ली। तुझे पता है इसके बड़े फायदे हैं, इस हेयर स्टाइल में बाल गिरने का तो कोई डर ही नहीं है। निशा, एक विशेष सूचना, मेरी सहेली निशा आज भी उतना ही हंसती है जितना पहले हंसती थी।
मैं आज कहानी की सीख बताने से पहले अपनी महिला सब्सक्राइबर से एक विनंती करना चाहती हूँ। आप समय समय पर अपनी जांच कराती रहें, क्योंकि समय पर जांच और समय पर इलाज हम सबको इस भयानक बीमारी से दूर रख सकता है। तो स्वस्थ रहें और सुरक्षित भी रहें। गम किसी को कम नहीं और कम किसी का गम नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने हताश होकर महात्मा से पूछा, प्रभु मुझे इन दुखों से छुटकारा दिलाइए, मैं थक गया हूं। ये दुख है कि कम ही नहीं होते, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। महात्मा ने कहा, इसका तो बहुत सरल उपाय है, एक काम करो, एक गिलास पानी पी लो। एक गिलास पानी पी लो, यानी एक गिलास पानी पीने से मेरा दुख कम हो जाएगा? अरे हाँ भाई, दुख कम हो जाएगा। हाँ, बस एक बात याद रखना, ये पानी उसी घर का पीना जिस घर में कोई दुखी ना हो। आपको क्या लगता है, इस व्यक्ति की प्यास बुझी या नहीं? आप सब तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड, तो आप ये भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि अपने आप को टाइटल देने से पहले हमें परीक्षा देनी होती है। यानी कि किसी पद को हासिल करने के लिए हमें एंट्रेंस टेस्ट और उसके बाद परीक्षा देनी पड़ती है, तभी जाकर हम अपने आप को टाइटल दे सकते हैं कि भाई मैं MBA हूँ, ग्रेजुएट हूँ या PhD हूँ। ठीक उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से अपने आप को दुखी और सुखी घोषित करने से पहले भी आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, और वो टेस्ट मैं आपके साथ आज साझा करने वाली हूँ। चलिए मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे जितना दुख तो किसी का नहीं है, पर आपको भूख अच्छी लगती है और नींद अच्छी आती है, तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे बड़ी खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि आप दुखी नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि आप भाई सबसे सुखी इंसान हैं, पर आपको अच्छी भूख नहीं है और अच्छी नींद नहीं आती, तो मुझे माफ कीजिएगा, आप इस परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि ये कौन सा सुख है भला? अमीर को चिंता है कि उसकी थाली में आज व्यंजन बहुत कम है, और गरीब ये सोचकर खुश है कि आज सूखी रोटी ही सही, नमक नहीं तो क्या कम है। चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। हर कोई जानता है कि जीवन बेहाल है, फिर भी हर बार पूछता है, भाई आपका क्या हाल है? आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में शेयर करना भूलिएगा मत। और हाँ, अगर कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, आगे से बाल क्यों गिर रहे हैं ऐसा लगे ना, तो एक ग्लास पानी पी लीजिएगा।